क्या आपके ब्यूटी ब्लेंडर भी इसी तरह से गंदे हो गए हैं? तो आज मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी इन्हें साफ करने का। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपको एक माइक्रोवेव का बाउल ले लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और आपके गंदे वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स डालने हैं। इसके बाद 60 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव को ऑन कर दीजिए और इसके अंदर अपने ब्यूटी ब्लेंडर को डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो टोटली जम्स फ्री हो जाएंगे और जम्स फ्री होने के वजह से आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अभी आप देख सकते हैं मेरे जो ब्यूटी ब्लेंडर है टोटली जम्स फ्री हो गए हैं। अभी मैं इन्हें अच्छे से वॉश करूँगी। वॉश करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जेंटल बेबी बाथ, या फिर आप शैम्पू, जो बेबी शैम्पू होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी क्वांटिटी लेने वाली हूँ क्योंकि आप सभी ने देखा है कि मेरा ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसके ऊपर बहुत सारा डालूंगी। अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं शैम्पू की। अभी मैं अच्छे से इसे हाथों से मसाज करते हुए साफ़ करूंगी और इसके अंदर जितना भी फाउंडेशन जम गया है उसे बाहर निकालूंगी। आप मेरे जो हैंड के स्टेप्स है वो देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसे टैप वाटर में अच्छे से धोऊंगी जिससे जितना भी शैम्पू या सोप का पानी है इसके अंदर चला गया है वो निकल जाए। तो इस पूरी प्रोसेस में लगभग 5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं मेरे ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी साफ हो चुके हैं। तो अभी मैं इन्हें ड्राई आउट करूँगी। इसके लिए मैंने एक टॉवेल को बिछा लिया है और उसके ऊपर मैं नाइसली इन स्पॉन्जेस को धीरे धीरे रब करूँगी और थोड़ा सा निचोड़ के इसके अंदर जितना भी पानी है उसे भी बाहर कर दूँगी। तो इस तरह से मैं इन्हें लगभग 2 मिनटों के लिए साफ़ करूँगी और ये टोटली जम फ्री और एकदम नाइस क्लीन हो चुके हैं। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।